क्या कोई ऐसा आउटफिट है जिसके अंदर स्टाइल और कंफर्ट दोनों का बैलेंस मिलता हो? जी हाँ, कोआर्ट सेट्स इतने ट्रेंडिंग है, यहाँ वहां जहां देखो हर जगह हर कोई आजकल तो बस कोआर्ट सेट पहने हुए ही नजर आता है। और चार कोआर्ट सेट्स तो मैं खुद आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एज अ साड़ी रियूज प्रोजेक्ट। अगर अब तक आपने नहीं देखा है ना यार, तो हमारी जितनी कोआर्ट सेट्स की वीडियोस है ना, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जल्दी से चेकआउट कर लेना। क्या आपके पास है कोआर्ट सेट्स या आप लेने का प्लान कर रहे हैं? यहां पर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि क्या कभी आपने या किसी ने आपको ऐसा कमेंट नुमा कॉम्प्लीमेंट किया है कि आपका कोआर्ट सेट एक नाइट सूट दिख रहा है? अगर हाँ, तो हमारी आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं मामा मिया यानी कि स्वाति आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप अपने कोआर्ट सेट को नाइट सूट दिखने से बचा सकते हैं। सबसे पहले कोआर्ट सेट्स के बारे में बात करते हैं कि कोआर्ट सेट्स होते क्या है। ये एक ऐसा फर्स्ट फ्री आउटफिट होता है जो कि आप दिन के किसी भी हिस्से में, जिसे आप कभी भी पहन सकते हैं। इनका एक मैचिंग नेचर है, उसकी वजह से आपको कुछ भी मिक्स एंड मैच करके सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या मिक्स एंड मैच करें। हाँ, हालांकि आप इन्हें सेपरेटली पहन सकते हैं, जो आपका टॉप है उसको भी सेपरेटली पहन सकते हैं और बॉटम को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन द होल ये एक पुट टुगेदर आउटफिट है जिसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनका एक मैचिंग नेचर है, ये एक सिंगल कलर आउटफिट भी होते हैं, जैसे मोनोक्रोमैटिक आउटफिट, यानी कि वो आउटफिट जिसके अंदर एक कलर। फिलहाल इस वीडियो में मैंने भी एक कोआर्ट सेट पहना हुआ है, मेरा ये प्लेन कोआर्ट सेट है जिसको आप मोनोक्रोमैटिक आउटफिट भी कहते हैं, या फिर ये ऑल ओवर प्रिंट में भी हो सकते हैं कि आपका टॉप और बॉटम दोनों एक ही प्रिंट में हो। इसमें आपका कलर पैलेट जो होता है ना, वो सेम रहता है। वहां पर जब कलर पैलेट अगर सेम है तो आपके प्रिंट्स डिफर भी कर सकते हैं, पैटर्न्स डिफर कर सकते हैं, कुछ भी डिफर हो सकता है, लेकिन कलर पैलेट जो है वो सेम चलता है। तो ये जैसे मैंने बताया पुट टुगेदर आउटफिट है, लेकिन आप इसे कैजुअली भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वही सब बताने वाली हूं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको रखना होता है ध्यान, ताकि आप इन्हें नाइट सूट दिखने से बचा सके। ये एक कॉमन क्वेश्चन है आजकल, जिसको देखो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब इनफैक्ट मेरी ही एक दो फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि यार कोआर्ट सेट्स ना नाइट सूट की तरह दिखते हैं, तो मुझे लगा कि ये चीज पे ना मुझे एक वीडियो बनानी है। तो इसलिए आज की वीडियो में ना मैंने सब पॉइंट्स ना इकट्ठे कर लिए हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिनका आपको रखना चाहिए ध्यान इस तरीके के कोर्सेस बनाते हुए, क्योंकि जब कोई चीज फैशन में है ना तो उसको फॉलो करना ना मन भी करता है और यार बनता भी है कि फॉलो किया जाए। अब दो तरीके के लोग हैं दुनिया में, एक वो जो फैशन को फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं फिल्म स्टार्स को देखकर या फिर एक दूसरे को देखकर, और दूसरे तरीके के लोग वो होते हैं जिनका अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उनके कपड़े, उनके दिमाग, उनकी सोच, उनके थॉट्स के ऊपर बेस्ड होती है, रिफ्लेक्ट करते हैं उनके कपड़े जो उनकी एंटायर पर्सनालिटी को, कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी उनकी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कम्फर्ट और स्टाइल का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अब कंफर्टेबल चीज तो ऑफकोर्स होनी चाहिए, लेकिन कंफर्टेबल होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी भी चीज को आप स्टाइलिश नहीं दिखा सकते हैं। तो जो हमारे कोआर्ट सेट्स है ना यार, हमेशा से फैशन में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फैशन में है। इतने कट्स, इतनी तरीके के हमारे कोआर्ट सेट्स में आ चुके हैं कि आपका जो कंफर्ट के साथ साथ ना ये स्टाइल भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट जो चार तरीके के कोआर्ट सेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उनके अंदर भी आपने देखा होगा कि हमने उनको सिंपल नहीं रखा, हमने उनके अंदर बहुत से वेरिएशन कर दिए। और आने वाले टाइम में पता नहीं मैं कितने कितने कोआर्ट सेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इट्स वन ऑफ माई फेवरेट आउटफिट। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती ना यार कि किसके साथ क्या मैच करना है। तो चलिए जी, स्टार्ट करती हूँ मैं पॉइंट नंबर वन से, जिसका रखना होता है आपको सबसे ज्यादा ध्यान किसी भी आउटफिट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जिन चार बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है कलर, पैटर्न, टेक्सचर एंड शाइन। यहां पर सबसे पहली चीज आपको जो टेक्सचर की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर मैं फैब्रिक को चूज करती हूँ कि फैब्रिक आपका कैसा होना चाहिए। आप हमेशा कोआर्ट सेट्स बनवाते हुए या लेते हुए एक फॉलिंग फैब्रिक का ध्यान रखिएगा कि फॉलिंग फैब्रिक को, या कई लोग होते हैं जो सिर्फ कॉटन पहनना पसंद करते हैं, जिनको कुछ फिजिकल इश्यूज होते हैं, शिफॉन जॉर्जेट नहीं ऑप्ट करना चाहते, लेकिन जिनके साथ
ऐसे इश्यूज नहीं है यार, आप शिफॉन की तरफ जा सकते हैं या इस तरीके के पॉलिंग फैब्रिक्स जो क्रेप वगैरह होता है ना उसको आप चूज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉटन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए सॉफ्ट कॉटन एडवान फैब्रिक जो है लिनन होता है, इस तरीके के फैब्रिक्स को आप चूज कर सकते हैं अपने कोर्ट सेट्स के लिए। दूसरा बात करती हूँ मैं किस तरीके का प्रिंट होना चाहिए। पहली बात तो नाइट सूट कब लगती है कोई चीज यार, आपका जो फैब्रिक है ना अगर वो कॉटन है, बिल्कुल कॉटन है तो, और उसके ऊपर आपने प्रिंट भी ले लिया वो छोटे छोटे वाला ना जैसे नाइट सूट्स में हुआ करता था, तो ऑफ कोर्स आप जो बनवाएंगे ना वो आपका नाइट सूट ही दिखेगा। तो यहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़े बोल्ड फ्लोरल प्रिंट्स की तरफ जा सकते हैं या कोई भी ऐसा डिफरेंट पैटर्न आप चूज कर सकते हैं जो नाइट सूट वाले पैटर्न से बहुत हटके हो। आजकल बहुत ज्यादा वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है, फैब्रिक आप नया ही लीजिए, और जब आप कोई भी चीज नई चूज करते हैं ना तो उसके अंदर एक शाइन होती है, वही शाइन एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे किसी भी फैब्रिक के लिए। तो आपके फैब्रिक में अगर क्रेप है, शिफॉन है, जॉर्जेट है, इनफैक्ट अगर रियॉन या कॉटन भी है और वो कोई नया फैब्रिक है, आपने कोई नया परचेज करके आप बना रहे हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ना नई वाली शाइन तो होती ही होती है। साड़ी से भी अगर आप कुछ चीज बना रहे हैं तो उसके अंदर भी एक नेचुरल शाइन होती है या एक अलग हटके बात होती है, तो आप इस तरीके का फैब्रिक ले सकते हैं। अब यहां पर कलर्स कैसे चूज करने चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको थोड़े ब्राइट कलर्स की तरफ जाने चाहिए। जब आप किसी ब्राइट कलर की तरफ जाते हैं तो आपका आउटफिट ऑटोमेटिकली एक ब्राइटर लुक लिए हुए एक ऐसा आउटफिट दिखता है जो डेली वियर से थोड़ा हटके होता है, क्योंकि नाइट सूट्स के जो कलर्स एंड प्रिंट्स होते हैं ना, पेस्टल्स एंड सबटल छोटे छोटा वाला प्रिंट उस पे अक्सर मिलता है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको जाना चाहिए इन केस ऑफ योर कोर्ट सेट्स। अब इसके बाद मैं बात करूंगी कट्स के ऊपर। आपको अगर आपने बना लिया अपना नॉर्मल जो कॉलर, आपने सीधे कॉलर नेक वाला कोई टॉप बनवा लिया, बटन लगवा लिए और उसके साथ आपने एक बॉटम क्रिएट करवा लिया पजामा टाइप, चाहे वो प्लाजो हो चाहे वो स्ट्रेट पैंट हो आपकी, तो यार वो तो नाइट सूट ही लगेगा ना। अब आपको नाइट सूट नहीं लगवाना तो आप उससे कैसे डिफर करेंगे या अपने कट्स को आप डिफरेंटली कैसे दिखा सकते हैं? ये सिंपल बात है जी, सबसे पहले आपको जो आपके नाइट सूट की जितनी लेंथ होती है ना शर्ट की, उससे या तो थोड़ी लेंथ आपको नीचे रखनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट नहीं पहनते, शॉर्ट पहनते हैं तो इट्स गुड कि आप उसे छोटा रख सकते हैं, क्रॉप टॉप की तरह या शॉर्ट शर्ट की तरह आप उसे बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट नहीं पहनते हैं मेरी तरह है तो आप नॉर्मल नाइट सूट से थोड़ा नीचे रखिए, आप नीज तक रख सकते हैं, उसे नीज से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। दूसरा, आप उसे हाई एंड लो कर सकते हैं, ऊंचा नीचा जो आजकल बहुत ज्यादा कुर्तीज फैशन में आप ऐसा बना सकते हैं। तीसरी चीज आप इसमें क्या कर सकते हैं ऐड कि आप नीचे से ना गोल बॉटम जो होते हैं ना वैसे आप उसको राउंड शेप दे सकते हैं जो हमारी शर्ट है उसको, आप लेसेस ऐड कर सकते हैं, आप बॉटम में लेस लगा सकते हैं, वो लेस आप बाजू पे यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का लेस वाला जो स्टाइल है वो ऐड कर सकते हैं। आप पॉकेट्स ऐड कर सकते हैं, पॉकेट्स भी वो नहीं जैसे नाइट सूट्स में यहाँ बना दी तो आपने इधर बनवा ली अपनी, बिल्कुल ऐसा नहीं, आप डिफरेंट जगहों पे पॉकेट्स बनवा सकते हैं, थोड़ा सा हटके आपको कुछ चीज करनी है। तो ये बात हो गई कि टॉप में आप किस तरीके के कट्स या किस तरीके के चेंजेस आप लोग कर सकते हैं। अब यहीं पर बॉटम्स में आप चेंजेस कर सकते हैं, बॉटम में आप सिर्फ प्लाजो या पैंट्स की तरफ ना जाकर थोड़ा हटके आप धोती सलवार की तरफ जा सकते हैं। आजकल अफगानी सलवार बहुत फैशन में, आप अफगानी सलवार ऑप्ट कर सकते हैं, नॉर्मल सलवार बनवा सकते हैं और उसके साथ किसी भी चीज को स्टाइल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कट इन द स्लीव। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ऐसी ही स्लीव्स पहनी है, आप इसे थोड़ी अम्ब्रेला कर सकते हैं, आजकल तो बहुत ही तरीके की स्लीव्स है, आप किसी भी तरीके की स्लीव्स ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे नाइट सूट में इस तरीके से नहीं होता तो वहीं पर एक बड़ा चेंज आपका आ जाएगा, तो इसको भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम किस तरीके के सिल्हुएट्स पे आप जा सकते हैं। पहली चीज मैं बात करूंगी कि आप एक नॉर्मल जो शर्ट होती है ना उसी को आप एक कॉर्ड सेट बना सकते हैं। कुर्ता स्टाइल में भी अगर आपने अपनी शर्ट को बनवा लिया नीले, चाहे आप उसमें नेक पे पिलो कट दे या फिर आप एक नॉर्मल कुर्ता रखें या फिर आप उसकी स्लीव्स को कफ रखें या सिंपल एक कुर्ता और पैंट या प्लाजो का कोऑर्डिनेशन करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेयर अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे सिलुएट की बात करूं तो आजकल काफ्तान सेट्स बहुत ज्यादा मार्केट में जो कि बहुत ज्यादा नाइट सूट्स वाला लुक देते हैं, तो इन दैट केस काफ्तान जबकि ट्रेंडिंग है, इतना फैशन में है और उसको हमने नाइट सूट से थोड़ा हटके दिखाना है
तो आप उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़े फॉलिंग फैब्रिक्स की तरफ जाइए, शिफॉन या फिर क्रेप का आप यूज कीजिए, सैटिन में आप बनवा सकते हैं। और जब इस तरीके से आप करते हैं, अगर आप किसी साड़ी से भी क्रिएट करवा रहे हैं ना, तो बॉर्डर्स का आप जो नीचे बॉर्डर्स होते हैं प्लेन बॉर्डर्स, उनका आप यूज कर सकते हैं, बॉटम में लगवा सकते हैं, शर्ट के नीचे आपके जो पैंट्स हैं या प्लाजोस हैं उसके बॉटम में आप लगवा सकते हैं, स्लीव्स पर आप लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो आपका कहीं से भी नाइट सूट नहीं दिख सकता है। तीसरी चीज आप सिलुएट्स में क्या कर सकते हैं कि अगर आपने प्लाजोज या ट्राउजर्स के साथ एक शॉर्ट लेंथ आपका कोई कॉर्ड सेट है तो उसके ऊपर आप श्रग्स को स्टाइल कर सकते हैं। श्रग आपका सेम कलर पैलेट का हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। तो आप इस तरीके से अपने कॉर्ड सेट्स के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट सिल्युएट की बात करूंगी कि आप एक कोट स्टाइल, ब्लेजर स्टाइल जो कोट सेट से उनकी तरफ जा सकते हैं, उनमें आप नीचे क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। तो अगर आप थोड़े ज्यादा मॉडर्न एंड फैशनेबल हैं और किसी तरीके का आपके साथ ऐसी कोई इशू नहीं है कि आप कुछ भी पहन सकते हैं, इन दैट केस आप अपने ब्लेजर के बटन्स को खोल सकते हैं, क्रॉप टॉप आप अपने अकॉर्डिंग ट्यूब टॉप, क्रॉप टॉप कुछ भी स्टाइल कर सकते हैं। अगर प्लस साइज है तो उस केस में आप अपने ब्लेजर्स को बंद करके, मेरा जो एक कोट सेट मैंने स्पेशल प्लस साइज के लिए ही बनाया था कि ब्लेजर लुक में हम कैसे कोट सेट बना सकते हैं, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किया था मैंने, उसके अंदर हमने ब्लेजर लुक दिया था। तो आप उस तरीके के ब्लेजर वाले कोट सेट्स की तरफ जा सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आप पेपलम स्टाइल भी शर्ट को रख सकते हैं। इस पर भी मैंने आपके साथ एक कोट सेट शेयर किया हुआ है, तो आप चाहें तो ब्लेजर स्टाइल, चाहे तो पेपलम स्टाइल, किसी भी तरीके से ट्राउजर्स या पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ये कुछ सिल्युएट्स वो थे जो मैंने आपको आइडियाज दिए, आप इसके अलावा बहुत से वेरिएशन है, आप किसी भी तरीके का वेरिएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ती हूँ कि जो मिस्टेक हम लोग कर लेते हैं जब हम ब्लेजर वाला बना रहे हैं या कॉलर नेक में कोई कॉर्ड सेट बना रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, टाई एंड डाई में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो मैं बोलूंगी कि आपको अगर आप टाई एंड डाई प्रिंट का कपड़ा लेकर बना रहे हैं ना, तो उसको थोड़ा लूज रखिए, टाइट मत रखिए, थोड़ा सा लूज टच दीजिए, एक फंकी सा लुक देने। एक चीज और जिसका आपको रखना है ध्यान कि आपको अपने कॉलर्स को ना छोटा कॉलर नहीं बनवाना है कॉर्ड सेट पे, आप उसको डबल कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन आपको छोटा छोटा कॉलर आपको नहीं बनवाना है बिल्कुल सख्ती से, क्योंकि वो आपको टिपिकल नाइट सूट लुक देगा आपके कॉर्ड सेट को। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगी स्टाइलिश चिक अट्रैक्टिव फुटवेयर की। वैसे तो आप अपने कुछ कोर्ड सेट्स के साथ स्नीकर्स को भी स्टाइल कर सकते हैं, बट यू कैन इजिली डिच योर स्नीकर्स विद दीज स्टाइलिश पम्प्स एंड स्टिलेटोस। ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि अगर हम कोर्ड सेट्स के साथ फ्लैट्स नहीं पहन सकते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे तरीके से फ्लैट्स को पेयर कर सकते हैं उसके साथ, बिकॉज ये कंफर्टेबल अगर आपको लुक देना है, कैजुअल लुक देना है, तो आप अपने फ्लैट्स के साथ जा सकते हैं। बट आजकल तो मार्केट में इतने स्टाइलिश फुटवेयर अवेलेबल है, आप उनको चूज कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट पॉइंट आई विल टॉक अबाउट द स्टाइलिश एंड एलिगेंट हैंड बैग्स दीज डेज। आप अलग अलग तरीके के स्लिंग्स एंड हैंड बैग्स यूज कर सकते हैं, बोहेमियन बैग्स आप यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और इस पॉइंट में मैं बात करूंगी स्टेटमेंट ज्वेलरी की। आप स्टेटमेंट पीसेस ऐड कर सकते हैं। आज मैंने भी अपने कोट सेट के साथ एक स्टेटमेंट नेक पीस पहना है। यहाँ पर ना थोड़ा सा यार ध्यान रखना कि स्टेटमेंट ज्वेलरी ना अलग अलग जगहों पर पहन लेने से ना ऐसा लगता है कि आपने लाद ली है, तो उसका ध्यान रखा जाए। जैसे कि मैंने गले में एक नेक पीस, स्टेटमेंट नेक पीस पहना है, तो मैंने अपने कानों में ना सब कुछ लाइट रखा है। और अगर आप एक अच्छा, मेरे को तो लगता है कि कॉर्ड सेट के साथ बहुत बढ़िया, अगर आप एक सिर्फ इयररिंग भी, एक स्टेटमेंट इयररिंग भी पहन लेते हैं ना, तो जबरदस्त एक कंप्लीट लुक आपके पास आ जाता है। तो मेरा, क्योंकि मैं ज्यादातर, मेरे को ना नेक पीसेस ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैं जब भी स्टेटमेंट पीसेस की बात होती है, हाँ अभी ये मेरा प्लेन था ना, तो मैंने इसके साथ इसको स्टाइल कर लिया, लेकिन अगर प्रिंट होता तो मैं भी शायद ना इयररिंग्स की तरफ जाती। तो आप भी किसी एक चीज को पिक कीजिए एक बार में, बहुत कम ऐसा होता है कि जब आपके पास एक कंप्लीट सेट होता है जहां पर ये चीज अगर थोड़ी बोल्ड है तो दूसरी चीज थोड़ी लाइट हो, हमेशा ऐसा ही कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपकी ज्वेलरी का जब आप स्टाइल कर रहे हैं उसे कोट सेट के साथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको कहूंगी कि आपको ना थोड़ा बहुत मेकअप कर लीजिए यार, जब भी कोट सेट पहन रहे हैं
थोड़ा बहुत मेकअप करने से क्या होता है कि आपका चेहरा ना थोड़ा नहीं बदलता है, तो बहुत ज्यादा बदल जाता है यार, एकदम से लुक चेंज हो जाता है आपका, वो घर वाली बैठे वाली एक लेजी क्रेजी वाली जो फीलिंग होती है ना वो खत्म हो जाती है जैसे ही आपके चेहरे पर थोड़े से रंग आते हैं। इन द नेक्स्ट पॉइंट आई विल से कि जब भी आप कॉर्सेट पहन रहे हैं या कहीं जा रहे हैं उसे पहन के, तो यार एक अच्छा सा हेयर स्टाइल होना चाहिए आपका, बाल अगर खुले भी है ना तो थोड़े प्रॉपरली वो मैनेज होने चाहिए, बन बना सकते हैं आप, एक रफ बन बना सकते हैं किसी भी तरीके से, आप अपने बालों को थोड़ा सा तरीके से अगर कर लेंगे तो भी आपका कॉर्सेट जो है ना एक बहुत ही मॉडर्न लुक आपको दे देगा। तो ये वो पॉइंट्स है जिनका रखना होता है आपको ध्यान। लेकिन कॉर्सेट आपको पता है कि एक सिंपल सा कॉर्सेट जो कि आप कैजुअली यूज कर रहे हो ना उसे आप फॉर्मली भी यूज कर सकते हो यार। बहुत सी अलग अलग चीजें थी, मैंने इन्हीं पॉइंट्स पे कुछ चीजें आपको बताई हैं कि आप एक कैजुअल कॉर्सेट को एक फॉर्मल कॉर्सेट कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ज्वेलरी जो मैंने आपको बोली वो आप उसे फॉर्मल बनाने में यूज कर सकते हैं, आप एक अच्छे फुटवेयर का यूज जैसे कर रहे हैं एक कैजुअल में, अगर आप सिंपल पहन रहे हैं तो आप उसे फॉर्मल में आप कोई अच्छे फुटवेयर्स यूज कर सकते हैं, एक अच्छा सा बैग यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपका मोनोक्रोमैटिक आउटफिट है तो आप उसके साथ किसी श्रग को स्टाइल कर सकते हैं, किसी प्रिंटेड श्रग को या वर्क वाले श्रग को, और अगर आपका प्रिंटेड आउटफिट है तो आप उसके साथ किसी प्लेन श्रग को स्टाइल कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक वेरिएशन करके आप अपने कैजुअल जो आपका कॉर्सेट है उसका एक फॉर्मल कॉर्सेट बना सकते हैं। और साथ ही साथ यार अगर आपका टॉप है जैसे मैंने ये पहना हुआ है तो मैं इस टॉप का यूज किसी भी ट्राउजर्स के साथ या किसी भी स्कर्ट के साथ या किसी भी चीज के साथ मैं इसको कर सकती हूँ, किसी और प्लाजो के साथ पहन सकती हूँ, मिक्स एंड मैच कर सकती हूँ, बॉटम्स का यूज कर सकती हूँ, किसी कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकती हूँ, किसी भी चीज के साथ, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो जी ये थे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, इनका ध्यान रखेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका कॉल सेट ना नाइट सूट नहीं दिखने वाला, कॉल सेट्स आर पुट टुगेदर आउटफिट यार, एंड आई पर्सनली फील कि इट शुड बी इन एवरी वुमेन्स वार्डरोब, सबके वार्डरोब में ना एक आधा कॉर्सेट होना चाहिए, नहीं है जल्दी से ले लो बनवा लो जैसा करना है कर लो। और अगर आपकी कोई फ्रेंड है या फैमिली में कोई है या आसपास कोई है जिसको जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम है या जिसको ऐसा लगता है देन डू शेयर दिस वीडियो विद देम, और पसंद आ गई वीडियो तो लाइक कर देना यार, चैनल पर नए है देन डू थिंक अबाउट सब्सक्राइबिंग माई चैनल और बेल आइकन को दबा देना यार, नेक्स्ट वीडियो का पता तो तभी चलेगा ना, क्योंकि जल्दी मैं लेकर आने वाली हूँ आपकी जो इतनी मोस्ट अवेटेड वीडियो ना जिसके बारे में सब मुझे कह रहे हैं जल्दी लाओ बनारसी साड़ी रियूज वीडियो, वो लेकर आने वाली हूँ मैं। अगली वीडियो जो रहेगी मेरी, मैं बहुत सारे आइडियाज ना इकट्ठे कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी मेरी, इसलिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो यार जल्दी से, और तो चलिए मिलती हूँ आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक लेके आ कि अपना स्टे पॉजिटिव एंड कीप रॉकिंग, टेक केयर, बाय बाय।